हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू और आपका एक बार फिर से स्वागत है क्यूजीन क्रश में। आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ आइसक्रीम क्लास की रेसिपी नंबर 1, जिसमें कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम और साथ ही मार्बल आइसक्रीम। ये जो आइसक्रीम है, इनका फ्लेवर, इनका टेक्स्चर और इनका टेस्ट जो है वो एकदम मार्केट जैसा होगा। जैसा कि हम मार्केट से पैकेट लाते हैं अमूल या अदर ब्रांड्स का, ठीक उसी तरह का टेस्ट और टेक्सचर इन आइसक्रीम्स का होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम घर में एकदम मार्केट जैसी आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे आइसक्रीम का एक बेस। और देखिए, बेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घर का नॉर्मल सा बर्तन लिया है। इस बर्तन में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 कप दूध। ये जो दूध है वो लगभग 125 ml के करीब है, रूम टेम्परेचर का है, ना कोई ठंडा है ना गर्म है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 tablespoon चीनी और 2 tablespoon यानी कि 2 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। और साथ ही देखिए 1 tablespoon मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च। ये कॉर्न स्टार्च आसानी से मार्केट में इस तरह के पैकेट में हमें मिल जाता है। अब इन सब चीज़ों को हम किसी भी चम्मच या इस तरह के विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अभी मैंने इस दूध को गैस पर नहीं रखा है। जब ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद ही हम इस मिक्सचर को गैस पर रखेंगे। तो स्लो फ्लेम पर हम इस मिक्सचर को लगभग 1 से 2 मिनट तक चलाएंगे और जैसे जैसे इस मिक्सचर में बॉईल आने लगेगा आप देखेंगे कि ये गाढ़ा होने लग जाएगा। बस 1 से 2 मिनट के बाद हमें गैस को कर देना है बंद और ये जो हमारा आइसक्रीम का बेस है वो बनकर एकदम तैयार है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये पहले से बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च डाला है, उससे ये गाढ़ा हुआ है। अब इसका ढक्कन बंद करके हम इसे रख देंगे एक तरफ जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर नहीं आ जाता। देखिए, ये जो बेस है वो एक मल्टीपर्पज़ बेस है, यानी कि इस तरह के बेस से हम किसी भी तरह की आइसक्रीम बना सकते हैं। तो वो सारे तरह की आइसक्रीम मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगी। अब यहाँ पर आइसक्रीम बनाने का दूसरा स्टेप, इसके लिए देखिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ट्रॉपोलाइट की नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम। इस क्रीम का मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप। अच्छे से ठंडी है हमारी क्रीम और एकदम लिक्विड फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसे बलून विस्क से भी विस्क कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर विप क्रीम फ्रॉस्टिंग की तरह बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक नहीं चाहिए, बस हमें इसे गाढ़ा करना है। तो ये काम आप हैंड विस्क से भी कर सकते हैं, बट मैं आज यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ इलेक्ट्रिक विस्क का, जिससे 1 से 2 मिनट तक हम इसे चलाएंगे और आप देखेंगे 1 से 2 मिनट के अंदर हमारी ये जो क्रीम होगी वो अच्छे से गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए, इस तरह की क्रीम ही हमें आइसक्रीम बनाने के लिए चाहिए होगी। बहुत ज़्यादा स्टिफ पीक हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप कंडेंस मिल्क, जिसे मिल्क मेड भी कहा जाता है। आप घर का बना या मार्केट का किसी भी तरह का कंडेंस मिल्क यहाँ पे डाल सकते हैं। चूँकि देखिए, हमने बेस में भी 1 चम्मच चीनी डाली है और नॉन डेरी क्रीम है वो भी मीठी होती है, तो आप चाहें अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कंडेंस मिल्क की क्वान्टिटी को कम भी कर सकते हैं। 1/4 कप जो है हमने डाला है वो इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट मीठा है। जब ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी उसके बाद जो हमने बेस बनाया था अब वो बेस हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बेस जो है वो ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो इस सारे बेस को हम अपने इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो स्पैचुला या विस्क से इन्हें मिक्स कर सकते हैं। मैं लगभग 30 सेकंड के लिए इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब देखिए, हमारा आइसक्रीम का जो मेन प्रिपरेशन है वो हो चुका है। अब डिपेंड करता है हम किस तरह का फ्लेवर इसमें ऐड करना चाहते हैं। चूँकि आज हम चॉकलेट वनीला दो तरह का बना रहे हैं, तो देखिए चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हमारा जो मिक्सर हमने बनाया था वो लिया है। आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गनाश डाल सकते हैं। मैं आज इस रेसिपी को इजी बनाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हर्षी का चॉकलेट सिरप। तो जितना भी फ्लेवर यानी कि जितना भी चॉकलेट का टेस्ट आप पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप हर्षी का चॉकलेट सिरप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये आइसक्रीम जो है वो खाने में एकदम आपको बाज़ार वाली आइसक्रीम का टेस्ट देगी। तो आप इस रेसिपी से इस आइसक्रीम को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और देखिए हमारा ये चॉकलेट फ्लेवर का मिक्सचर जो है वो बनकर हो गया है एकदम तैयार। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए एक तो जो है वो वाइट मिक्सचर है और दूसरा जो है वो चॉकलेट मिक्सचर है। वाइट मिक्सचर में वनीला फ्लेवर देने के लिए मैं यहाँ पर कुछ बूंद डाल रही हूँ वनीला एसेंस की। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। एक मैंने यहाँ पे ऐसा बॉक्स लिया है जो कि एयर टाइट ढक्कन वाला है और फ्रीज़र सेफ है, यानी कि हम इस प्लास्टिक को फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो देखिए मार्वल इफ़ेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे दोनों ही आइसक्रीम की एक के बाद एक लेयर डालती जाऊँगी, जिससे हमें आइसक्रीम जो है वो दोनों फ्लेवर यानी कि चॉकलेट और वनीला दोनों का मिक्स मिलेगी। आप चाहें तो बीच बीच में यहाँ पर हर्षी का चॉकलेट सिरप, चॉको चिप्स, आप चाहें तो यहाँ पर किट कैट, डेयरी मिल्क, फरेरो रोचर्स, जो भी चॉकलेट आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इस तरह से टूथपिक से भी देखिए आप चाहें तो डिज़ाइन दे सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मार्बल आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार है। आप इसे फॉइल पेपर या क्लिंग रैप से भी कवर कर सकते हैं, बट चूंकि मेरा जो ढक्कन है वो एयर टाइट है इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। अब डायरेक्ट हम इस बॉक्स को रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए फ्रीज़र में और उसके बाद हमारी ये आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार है। अब यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ जार आइसक्रीम। आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है ये चॉकलेट जार आइसक्रीम, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये कांच का एक जार लिया है और जो हमारा चॉकलेट वाला मिक्सचर था वो इस तरह से मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़े से मैं डाल रही हूँ चॉको चिप्स और उसके ऊपर फिर से उसी चॉकलेट मिक्सर की दूसरी लेयर हम डाल रहे हैं। इसे आप डेकोरेट करिए या गार्निश करिए चॉकलेट सिरप से, चॉको चिप्स के साथ। और आप देख सकते हैं ये हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का जार बनकर एकदम तैयार है। इसे भी हम रख देंगे फ्रीज़र में 10 से 12 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भी आप इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं। और अब देखिए हमारा जो वाइट मिक्सचर था यानी कि जो वनीला मिक्सर था उसके हम इस तरह से छोटे छोटे कप बना सकते हैं। ये चाय वाले कप हैं जिनमें मैंने वनीला मिक्सचर को डाला है और इस तरह से एक स्पून की हेल्प से मैं इनके ऊपर वाली सतह को एकदम स्मूथ कर रही हूँ। इन्हें कवर करने के लिए या तो आप फॉइल पेपर लगा लें या आप वाटर पेपर लगा लें और एक रबर बैंड की हेल्प से इस तरह से आप इन्हें बंद कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा सकते हैं, ये हमारे आइसक्रीम भी बन जाएगा वनीला फ्लेवर का। और यहाँ पर 10 से 12 घंटे के बाद हम जो भी आइसक्रीम हमने बनाई थी उन सबको फ्रीज़र से बाहर निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो सारी आइसक्रीम है वो बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं। किसी भी तरह का आइस क्यूब यानी कि आइस क्रिस्टल हमारी आइसक्रीम के ऊपर नहीं है, एकदम स्मूथ टेक्सचर और बहुत ही खाने में टेस्टी हमारी ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये तीनों ही फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी आपको पसंद आई होंगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप ये आइसक्रीम्स बनाते हैं तो अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और चूंकि ये बेसिक आइसक्रीम थी इसलिए मैंने सबसे पहले इसको शेयर किया था, इसके बाद आगे आगे हम बटर स्कॉच, ब्लैक करेंट और भी बहुत सारे नए नए फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।